हेलो दोस्तों, आज आप देख सकते हैं कि हमारी पनीर कितनी सॉफ्ट और मुलायम बनी है। आपको मैं कट करके बताती हूँ ये पनीर कितनी अच्छी बनी है। और ये हमने घर पे ही पनीर बनाया है और बहुत ही अच्छे से सेट हुआ है। और इस तरह की पनीर आज मैं घर पे ही बनाऊंगी, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि घर पे पनीर कैसे बनाते हैं। मैं दूध भैंस का लेके आती हूँ और मैं दूध ले आई थी, 2.5 किलो दूध लाई थी, जिसमें से मुझे 2 किलो दूध की पनीर बनानी है और 1.5 किलो दूध मैं एक्स्ट्रा में मेरे रख लूँगी। तो इसलिए मैंने 2 किलो दूध इसमें डाल दिया है और थोड़ा दूध मैं रख लूँगी डोली में। और ये प्योर भैंस का दूध है और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, फुल फैट दूध है। आप डेयरी का भी ले सकते हैं, गोल्ड का जो दूध आता है थैली का वो भी ले सकते हैं, उससे भी पनीर अच्छे से निकल आता है। लेकिन मैंने ये भैंस का दूध लिया है और बहुत ही अच्छे से निकल आता है। इसको मैंने चला के और थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है, कम गैस कर दी है, उसको उबलने देंगे। जब तक हमने लिए हैं 3 नींबू, लेकिन यहाँ मैं 2 ही नींबू काम में लूँगी। इसको मैं हाथ से ही निकाल लूँ, क्योंकि सॉफ्ट नींबू थे तो मैंने हाथ से ही इनका रस निकाल लिया था। और इसका रस निकाल लेंगे हम एक कटोरी में अलग से। 2 नींबू का रस मैंने निकाला है और अब इसके जो बीज हैं उनको मैं निकाल लूँगी। इस तरह से चम्मच से बीजों को हमें निकाल लेना है। ये देखिए, सारे बीज मैं निकाल लूँगी और अब मैं इसमें पानी मिलाऊँगी, क्योंकि हमें प्योर दूध नींबू का रस नहीं डालना है। मैं देख सकते हैं आप, मैंने काफ़ी सारा इसमें पानी मिला दिया है और इस तरह से पानी मिला के हमें रख लेना है। जब तक दूध उबलेगा नहीं तब तक हम नहीं डालेंगे, दूध उबलने का हमें इंतज़ार करना है। और दूध देख सकते हैं आप उबल चुका है। और दूध उबलने के बाद हम थोड़ी देर इस तरह से चलाने के बाद अब इसमें हम डालेंगे नींबू का रस जो हमने निकाल के रखा था, जो भी हम थोड़ा सा डालेंगे। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा नींबू का रस डाला है और अब मैं इसको चलाती रहूँगी। ये देखिए, और हमें जब हम फर्स्ट बार नींबू का रस डालेंगे तो हमें लगेगा नहीं ये फटा है, बस थोड़े थोड़े से ऐसा लगेगा कि थोड़े थोड़े से दाने से आ गए हैं दूध में। और हमें 2 मिनट के लिए इस तरह से चलाना है और फिर थोड़ी देर बाद में हमें फिर से दूध में इसी तरह से उसको डालना है पानी को। हमें 3-4 स्टेज में हम इस पानी को डालेंगे और थोड़ी देर चलाएँगे। और अब थोड़ा आधा सा दूध फट गया है और आप देख सकते हैं हमें थोड़ा सा लगा है दूध फटा है। और फिर से मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा और फिर हमें इसको चलाते रहना है। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, दूध हमारा थोड़ा बहुत फटने लग चुका है लेकिन अभी भी हमारा दूध पूरी तरह नहीं फटा है। और फिर से मैं इसमें डालूँगी, पूरा डाल दूँगी इस टाइम। और अब इसको हमें थोड़ी देर चलाते रहना है, थोड़ी देर चलाते रहेंगे इस तरह से। और आप, गैस हमारी बिल्कुल कम है, गैस हाई फ्लेम पे नहीं है, बिल्कुल कम गैस पे हमें धीरे धीरे इस प्रोसेस को करना है। और आप देख सकते हैं हमारा दूध बिल्कुल फट चुका है। ये देखिए, दूध अलग, पानी अलग हो गया है और पनीर अलग हो गया है। दूध बिल्कुल अच्छी तरह से हमें हमारा फट गया है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि दूध कितने अच्छे से फटा है हमारा। काफ़ी सारा दूध पनीर हमारा निकल के आएगा यहाँ पे। ये देखिए, बहुत अच्छे से फट गया है हमारा दूध। और अब मैं इसको गैस को कर दूंगी ऑफ और इसको नीचे उतार लूँगी। ये देखिए, मैं नीचे उतार दिया है और अब मैं इसमें डालूँगी। ये देखो, दूध हमारा अच्छी तरह फट चुका है। तो अब इसमें मैंने डाला है 1 गिलास भर के ठंडा पानी। ठंडे पानी से ये होता है कि जितना भी पनीर होता है वो अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है। ठंडे पानी से डालने से बिल्कुल अच्छे से फट जाता है हमारा जो दूध होता है। और अब मैंने छन्नी ले ली है, इस पर रख दूँगी मैं एक कपड़ा। इस तरह से एक कपड़ा हमें ले लेना है कॉटन का। और मैं इसको अब डबल फोल्ड पे करूँगी, भाई मैं पतला था थोड़ा कपड़ा, इसलिए मैंने डबल कर लिया है इसको। और अब मैं इसमें दूध को डाल दूँगी, हमारे पनीर को निकाल लेना है अच्छी तरह से पकड़ के आराम से। और हम इसमें अब डालेंगे दूध को। ये देखिए, दूध को हमें डाल देना है, पनीर निकल जाएगा। इस तरह से मैं छान लूँगी इसको पूरे को। और ये जो पानी हमारा निकलेगा इसको फेंकना नहीं है, इसको हम आटा लगाने के कैसे भी हम इसको काम में ले सकते हैं। और ये देख सकते हैं हमारा पनीर कितना सारा निकला है। और अब इसको मैं साफ पानी से धो लूँगी, थोड़ा बहुत साफ पानी डालूँगी, जिससे कि नींबू की जो खटास है वो इसमें नहीं रहे। और इस तरह से हाथ से मेरे को इसको निकाल लेना है। और अब मैं इसको कपड़े से बांध के
इसको पानी को निकाल लूँगी, इस तरह से निचोड़ लेना है। और अब हम घर पे इस तरह से पनीर बना सकते हैं, क्योंकि मार्केट का पनीर तो ज़रूरी नहीं है, हमारा शुद्ध है। इस तरह से हम घर पे पनीर बनाएं तो बहुत अच्छे से बनता है और इस पनीर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। बाज़ार के पनीर से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है और कम दाम में हमारा पनीर बनके तैयार हो जाता है, बहुत अच्छे से बन जाता है। और पानी मैंने इसका निचोड़ लिया है, आप देख सकते हैं पूरा पानी मैंने निकाल लिया था। और अब मैं इसमें इस तरह से गांठ लगा लूँगी, इसको इस तरह से गांठ लगा देना है और जिस शेप में हमें देना चाहे उसी शेप में हमें रख देना है इसको। इसको मैं इस तरह से करके, ये देख सकते हैं आप, ज़्यादा गांठ मोटी लगाएंगे तो इसमें खड्डा पड़ जाएगा, सेफ अच्छे से नहीं आएगी, इसलिए मैंने इसको अच्छे से थोड़ा नॉर्मल सी गांठ लगाई है। और इस तरह से पूरे को रख कर मैंने इस पर कोई वजन रखा है, हमें वजन रखना होगा जिससे इसमें जो पानी है वो भी निकल जाएगा और इसकी सेफ है ना बहुत ही अच्छे से आ जाएगी। और ये मैंने रखा था 2-3 घंटे के लिए रख दिया था, 2-3 घंटे हो गए थे। और अब मैं आ गई थी पनीर देखने के लिए रसोई में कि हमारा पनीर कैसा बना है, और अब मैं इसको देखूँगी खोल के। 2-3 घंटे में मैं इसको बिल्कुल नहीं छेड़ा था और इसका जो पानी था ना एक्स्ट्रा वो सारा निकल गया था, चॉपिंग बोर्ड पे साइड में से निकल गया था सारा पानी। और अब मैंने इसको जब खोला है तो मैं बहुत ही खुश हुई, मेरा पनीर बहुत ही अच्छा से बनके तैयार हुआ था। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी सेप भी बहुत अच्छी आई है और पनीर भी मेरा बहुत अच्छा बना था। मुझे लग नहीं रहा था कि मेरा पनीर इतना अच्छा बनेगा, लेकिन बहुत ही अच्छा बना था। और मैं आपको कट करके बताती हूँ पनीर मेरा कितना अच्छे से बना है, अंदर से भी दिखाऊंगी। ये देखिए अंदर से देख सकते हैं कितने अच्छे से सेट हुआ है, मेरा पनीर बहुत ही अच्छा बना था, ये देखिए। और एक पीस में और कट के इसको भी कट करके बताऊंगी, ये देखिए। इस तरह से आप पनीर ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही अच्छा बनता है। और आप नींबू की जगह विनेगर भी यूज में ले सकते हैं, लेकिन नींबू से बहुत अच्छे से पनीर बन जाता है, विनेगर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि विनेगर सबके पास नहीं मिलता है, नींबू सबके पास मिल जाता है और नींबू से बहुत अच्छी पनीर बनती है नींबू से फाड़ने पर। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।